ओके गुड आफ्टरनून। अभी हमारा एग्रीकल्चर का क्लास स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के बारे में। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, मैं वापस से थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर के बारे में मैंने बताया था कि बायो फर्टिलाइजर, बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें हम लिविंग बींग्स का यूज करते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स का यूज करके और फिर हम उसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर लेते हैं ना, इसे ही हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, अब लिक्विड बायो फर्टिलाइजर में क्या था कि लिक्विड जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें ये लिक्विड मीडियम के अंदर होते हैं, इसलिए इनका नाम हम लिक्विड बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। सॉलिड बायो फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, वो सॉलिड मीडियम के अंदर होते हैं। ठीक है, अब जैसे कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर में भी मैंने डिफरेंस बताया था, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर ये होते तो एक जैसे ही है, बट इनमें माइनर डिफरेंस क्या होता है कि जो बायो फर्टिलाइजर होता है उनमें जो डायरेक्ट लिविंग बींग होते हैं, डायरेक्ट लिविंग बींग से हम क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे। ठीक है, और वर्मी कंपोस्ट में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो क्या होते हैं एक सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, उसमें सेकेंडरी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें बायो फर्टिलाइजर में प्राइमरी कंपोनेंट ही हमारा लिविंग बींग होता है, इसलिए इसका नाम बायो फर्टिलाइजर रखा गया है। ठीक है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था कि लिक्विड बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है उनका एप्लीकेशन, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन पढ़ना है कि हम इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं। तो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को हम चार तरीके से मेनली अप्लाई करते हैं, उन चारों मेथड्स को हम अब बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। उन चारों मेथड्स को मैंने बोर्ड में लिख दिया है और इन टॉपिक्स को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा मैं। और सबसे पहला मेथड था सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट मतलब प्लांट लगाने का सबसे पहला मेथड क्या होता है, हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट प्रॉपर यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स वी कांट डू गुड फार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहला ही हमारा मेन काम क्या होता है कि हम अच्छी क्वालिटी को, इसके लिए बहुत सारे हमारे कंट्री में लैब सेटअप किए गए हैं क्वालिटी ऑफ सीड्स को टेस्ट करने के लिए और फार्मर्स तक बेटर क्वालिटी के सीड्स को पहुंचाने के लिए। वैसे तो फार्मर्स के पास बेटर क्वालिटी के सीड पहुंचते हैं, उसके बावजूद भी अगर उन सीड्स में कुछ भी फॉल्ट होते हैं, उन सीड्स में कुछ फॉल्ट होती हैं, या उन सीड्स पे अगर टर्माइट के अटैक के चांसेस होते हैं, टर्माइट्स जो आप सबको पता है क्या होते हैं, स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं सीड्स पे अटैक करके सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो टर्माइट्स के अटैक से बचाने के लिए सीड्स को या और भी हार्मफुल बैक्टीरिया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए सीड्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीड का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 5 ml के रेट से पर केजी सीड में हम इसको मिक्स करते हैं। सपोज कि हमारे पास 10 kg सीड है, अगर हमें उसे फील्ड में लगाना है, फील्ड में अगर हमें उसे स्प्रेड करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे 50 ml उसमें लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने का क्या फायदा होता है कि उसमें जो भी टर्माइट्स के अटैक के चांसेस होते हैं वो बहुत क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरा वाला है रूट एंड प्लांट ट्रीटमेंट। रूट एंड प्लांट ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट एंड प्लांट ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी रूट्स प्लांट के जो भी रूट्स होते हैं उन रूट्स को हम क्या करते हैं लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर, फिर उन प्लांट के रूट्स को उन लिक्विड के सॉल्यूशंस में क्या करते हैं डिप करके डुबाकर कुछ समय तक रखते हैं और फिर वहां से उसको निकालकर शेडी प्लेस में रख देते हैं सूखने के लिए। हम इसे सन में नहीं रखेंगे, हम इसे सन में नहीं रखेंगे। सन में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो सन के जो रेडिएशन होती हैं, फिर वो उसमें जो जो भी ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर हमने ट्रीटमेंट किया है उसको क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, फिर हमारे ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता है, जिसके कारण हम उसे शेडी प्लेस में सुखाते हैं 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, उसको रखते हैं वहां पे और फिर उसके बाद से जब उसका मॉइस्चराइजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है फिर हम उसे क्या करते हैं, उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं सीड बेड प्रिपेयर करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली फील्ड में लगाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब एक फिक्स एरिया में सीड बेड लगा देते हैं। जैसे पैडी, पैडी जो होता है, पैडी के जो प्लांट्स होते हैं हम डायरेक्टली नहीं लगाते फील्ड में,
पैडी के कुछ वैरायटीज ऐसी होती है कि अगर हमको डायरेक्टली लगा दे तो फिर हमें उनसे उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, उसमें छोटे छोटे जब प्लांट्स उग जाते हैं फिर हम उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके दूसरे फील्ड में लगाते हैं और उसी को हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ऐसा नर्सरीज में भी होता है, मैंगो प्लांट बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा किया जाता है। तो ये वैसे प्लांट्स के लिए है हम जिनका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ये किसके लिए है, जो डायरेक्ट सीड हम लगाते हैं फील्ड में हम उनको उसमें करते हैं। और ये क्या है, हम सेकंड वाला मेथड किसमें करते हैं, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन हमें करने की जरूरत होती है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको भी दे दिया पेडी प्लांट के लिए। ठीक है, तीसरा है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब भी हम फार्मिंग करते हैं 5-6 हमारे कॉमन मेथड होते हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस होते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सीड का सिलेक्शन, सीड को सिलेक्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड होना चाहिए। दूसरा क्या करते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसमें से जो भी वीड्स है वीड्स को हटाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको प्लेन करते हैं, अगर प्लेनर एरिया ना हो तो उसे प्लेन करते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, मिनरल्स ऐड करते हैं, मिनरल्स ऐड करने के बाद से हम उनमें वाटरिंग करते हैं, फिर हम उसको प्लगिंग करते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड्स करते हैं और फिर एट द लास्ट में जाकर हम उसमें सोविंग करते हैं। और जब प्लांट छोटे छोटे कुछ बड़े हो जाते हैं 2 weeks और फर्दर जब कुछ अलग अलग क्रॉप्स की टाइमिंग अलग अलग होती है, जब वो फर्दर थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हम उनमें से क्या करते हैं, उनमें से वीड्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर दोबारा वाटरिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा चलता है। तो हम अब ये सॉइल ट्रीटमेंट कौन किसका पार्ट है, ये सॉइल ट्रीटमेंट जो है ना, ये हमारे सॉइल प्रिपरेशन का जो एक स्टेज होता है ना फार्मिंग के अंदर, सॉइल प्रिपरेशन ये उसी का पार्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सॉइल के अंदर जो भी टर्माइट्स होते हैं ना उनको क्या कर देते हैं, पहले मारने का काम करते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो या हार्मफुल टर्माइट्स हो प्लांट्स के अंदर, वो सॉइल के अंदर, वो क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है, और दूसरा क्या कि इसके अंदर हमें क्या बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करना होता है, उसको सॉइल में इनरिचमेंट करना होता है। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग मिनरल्स हो गया, सोडियम सोल्युबलाइजिंग मिनरल्स हो गए, ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट्स हो गए, सोडियम सॉल्ट्स हो गए, इन सारे सॉल्ट्स को क्या करवाना होता है, हमारा डिजोल्व करवाना हमारा मेन मकसद होता है इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि पर 100 केजी ऑफ सॉइल लेंगे, 100 केजी ऑफ सॉइल में हम 250 ml क्या मिलाएंगे, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, और इसका एक मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। मिक्सचर प्रिपेयर करने के बाद से अब वो जो 100 kg सॉइल था ना, अब वो सॉइल नहीं रहा, अब वो बन चुका है फर्टिलाइजर, क्योंकि हमने सॉइल में लिक्विड बायो फर्टिलाइजर मिला दिया 250 ml, अब वो बन चुका है फर्टिलाइजर। अब हम इसे क्या करेंगे, मशीन्स की हेल्प से या खुद अपने हाथ से मैनुअली हम इसे फील्ड में क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, और ऊपर से हम उसमें क्या कर देते हैं, वाटरिंग कर देते हैं। उसके बाद से जब आप वाटरिंग करेंगे तो उसके अंदर का जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर होगा और वो जो सॉइल जो फर्टिलाइजर बन चुका है वो क्या होगा, सॉइल के अंदर जाके डिजोल्व होगा, और फिर वो जो रूट्स होंगी उन रूट्स के अंदर, मैंने अभी इसके पहले लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के पहले मैंने एक हाइफी पढ़ाया था। ठीक है, हाइफी होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, रूट्स के अंदर होते हैं, आधे रूट्स के बाहर और आधे रूट्स के अंदर, यानी कि प्लांट्स के अंदर, मतलब रूट्स के बाहर जो भी सॉल्ट्स या मिनरल्स होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब करने का काम वो करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। तीन मेथड हमने देख लिए, पहला है सीड ट्रीटमेंट, दूसरा रूट ट्रीटमेंट, और तीसरा है सॉइल ट्रीटमेंट। चौथा प्रोसेस किस तरीके से हम एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर पढ़ रहे हैं, और फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि चौथे किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। चौथा तरीका होता है बाय ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड आप सबको पता होगा कि एक इरिगेशन का ऐसा मेथड है जो कि ड्राई एरियाज में यूज किया जाता है, ऐसे एरियाज में यूज किया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। ठीक है, ये हर प्लांट के रूट्स तक हम डायरेक्टली वाटर को पहुंचाते हैं जिससे वाटर वेस्ट ना हो। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड में जो वाटर का जो सोर्स होता है ना, जो वाटर का प्राइमरी सोर्स होता है जहां से वाटर आता है, हम उस वाटर के सोर्स में ही लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट मिले प्लांट के रूट्स को। इसको हम ड्रिप इरिगेशन मेथड से इसका एप्लीकेशन समझ सकते हैं। ठीक है, ये 1 liter per hectare, मतलब अगर 1 hectare फील्ड में, 1 hectare फील्ड में अगर आपने
प्लांट्स लगाए हैं, क्रॉप लगाए हैं और आपने उस फील्ड के अंदर ड्रिप इरिगेशन मेथड को इंस्टॉल किया है, तब हमें कितने लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी? 1 लीटर पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून में हमें क्या देखना है? तो फेजेस ऑफ मून से पहले मैं आपको एक चीज में और पढ़ाऊंगा जिसको हम कहते हैं कृषि पंचांग, या इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चरल कैलेंडर। एग्रीकल्चरल कैलेंडर या कृषि पंचांग के बारे में हम सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये होता क्या है और इसके यूजेस क्या है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हमारे एंशियंट टाइम से है। एंशियंट टाइम में जब हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्निक्स या रेडार्स या और भी जो चीजें हैं, सैटेलाइट्स नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम के जो फिलोसोफर्स जो थे या उस टाइम के जो भी सेंट्स थे, मॉन्क्स थे, उन्होंने अपने प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया और कुछ चीजों को हमारे नेचर में जो भी उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे उन्होंने एक पैटर्न बनाया और उसी पैटर्न को उन्होंने क्या नाम दे दिया? कृषि पंचांग। कृषि पंचांग का मतलब ये है कि उन्होंने इसमें ये बातें बताई कि कौन से सीजन में कौन से क्रॉप को लगाने से हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सकता है। इसमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा उन्होंने और ये जो कृषि पंचांग है ये आज के डेट में भी एप्लीकेबल है। इसे वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको क्या माना है? पार्शियली करेक्ट माना है, फुली करेक्ट नहीं माना है। मतलब उन्होंने बोला है कि ये पार्शियली करेक्ट है और ये वर्ल्ड के बहुत सारे मैक्सिमम जगहों पे ये एप्लीकेबल है। इसमें अब इसी में कृषि पंचांग में हम आगे आते हैं बहुत टाइम बाद, मीन्स मॉडर्न टाइम में, आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद। 19th सेंचुरी में ये हम कह सकते हैं एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टेनर, एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टेनर। स्टेनर ने एक फॉर्मूला दिया बायो डायनेमिक एग्रीकल्चर का। उन्होंने फॉर्मूला दिया बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर को, उन्होंने ये जो कृषि पंचांग था ना इससे जोड़ा और उन्होंने बोला कि ये जो कृषि पंचांग है ये क्या है? 100% करेक्ट है। और इसी को इन्होंने दूसरा नाम दे दिया बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। अब बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का मतलब क्या है अब मैं ये आपको बताता हूँ। तो आप सबको पता होगा छोटे क्लासेस से आप एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है ना, जो सप्तऋषि समूह या जो भी हम ये पोलर बियर कॉन्स्टेलेशन देखते हैं स्काई में, ये कॉन्स्टेलेशन की जो मूवमेंट होती है ना उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं? नक्षत्र बनते हैं, जिसे हिंदी में नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन, या उनको पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा, स्टेनर ने क्या कहा कि ये जो भी एग्रीकल्चर हम करते हैं ना उसको अगर हम बायोडायनेमिक्स से रिलेट करके करें, बायोडायनेमिक्स मतलब कॉन्स्टेलेशन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि हमें इस सीजन में ये क्रॉप लगाने चाहिए, ये रबी, ये क्रॉप, इन ये सारी चीजें कहां से आई हैं? ये इसी पंचांग, इसी बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर से निकल के आई हैं। उसने, स्टेनर ने एक बात और बताई, उसने ये बोला कि ये जो सन है, मून है, ये जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, इनका जो प्रभाव होता है, इनका जो इफेक्ट होता है प्लांट के हर पार्ट पे, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर कोई भी प्लांट है उसके लीव्स पे, उसके फ्लावर्स पे, उसके रूट्स पे, उसके स्टेम्स पे, उसके हर एक पार्ट पे मून लाइट का और स्टार्स के लाइट का और स्टार्स के मूवमेंट का और उससे निकलने वाली एनर्जी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी सारी कैलकुलेशन, इन्हीं सारे इम्पैक्ट्स को देखते हुए उन्होंने बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट दिया। डायनेमिक मतलब मूवमेंट, डायनेमिक्स आ गया ना, मतलब मूवमेंट की बात की गई है इसमें। मतलब जो मून होता है, मून के मूवमेंट से एग्रीकल्चर पर फर्क पड़ता है और ये बात साइंटिफिकली करेक्ट भी प्रूफ हो चुकी है।
ठीक है। अब इसी कृषि पंचांग, ये कृषि पंचांग आज तो नहीं है, बहुत हजारों साल पुराना है, इसे हमारे सेंट्स ने तैयार किया था, ऋषि मुनियों ने तैयार किया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में। तो जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में एक बात उन्होंने और बताई कि जो मून होता है ना, मून वो अर्थ पे हम सबको पता है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि जो मून होता है ना वो अर्थ पे जितना भी वाटर है, चाहे वो सॉइल के ऊपर हो चाहे वो सॉइल के नीचे हो, उस वाटर को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर इफेक्ट डालता है और जिसके चलते वो वाटर ऊपर की तरफ आते हैं और फिर जब वो प्लांट के अंदर जाते हैं तो फिर इससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और उनके प्रोडक्शन पे असर होता है, ठीक है। ये था हमारा टोटल कृषि पंचांग और बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। अब आपसे कोई भी कहीं भी क्वेश्चन पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एंशियंट कृषि पंचांग विच वॉज गिवन बाई दिस बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई स्टेनर इन विच इट डील्स अबाउट द कनेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विथ द मूवमेंट ऑफ नक्षत्र एंड द फेजेज ऑफ मून एंड द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टलेशन इन द आवर सोलर सिस्टम, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जितने भी हेवनली बॉडीज हैं उनके मूवमेंट से इसको रिलेट किया गया है। ये तो हो गया आपका बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर और कृषि पंचांग, ठीक है, या एग्रीकल्चरल कैलेंडर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून क्या कहता है, अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए मून जो है, आप सबको पता है कि मून में दो फेज होते हैं, ठीक है, कंप्लीट फेज। एक को हम अमावस्या कहते हैं और दूसरे को पूर्णिमा कहते हैं। हिंदी अगर इंग्लिश में बात करें तो पहले को नो मून कहते हैं और दूसरे को न्यू मून कहते हैं या फुल मून कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दोनों फेजेस के बारे में। पहला फेज जो होता है हम उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं ये हिंदी में, और इंग्लिश में फर्स्ट फेज कहते हैं या फर्स्ट पक्ष भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंड पक्ष या कृष्ण पक्ष, या इसे सेकेंड फेज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज में क्या होता है, जो मून होता है ना वो अर्थ और सन के बीचों बीच होता है और ये पहले 7 दिन में इसके बीच से निकल के बाहर की तरफ जाता है, और जैसे ही बाहर की तरफ जाता है मतलब ये डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, डार्कनेस से लाइट की तरफ, और अगले 7 दिन में ये अपने पूरे शेप को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या है, ये लाइट से डार्कनेस में जाता है, मतलब मून अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, ठीक है। तब हम इस पोजीशन को क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, सेकेंड फेज कहते हैं, ठीक है। ये दोनों पक्ष मिलाकर एक कंप्लीट पक्ष बनाने में, वैसे तो हमारे कैलेंडर में 30 डेज का दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन है 29.5 डेज। ये दोनों पक्ष मून कितने देर में कंप्लीट करता है, 29.5 डेज में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब हम इसके बाद से बात करते हैं इसकी, ग्लाइसरोल मिथाइल सेलुलोज और गम की। ये जो है ये कहां काम आते हैं और किस लिए मैंने लिखा है, अब हम इस पे बात करते हैं। ये जो तीनों मटेरियल्स मैंने जो अभी आपको बताए हैं, ठीक है, ये किस काम में आते हैं, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर को प्रिजर्व करने के काम में आते हैं, मतलब उनको लंबे समय तक प्रिजर्वेशन करके प्रोटेक्ट करके रखने के काम में आते हैं। मतलब जो भी लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, मैंने छूट गया था पॉइंट वो मैं बता दे रहा हूँ, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं ना उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हम रखते हैं सालों साल तक, ठीक है। तो ये जब हम इनको सालों साल तक रखते हैं कि तब क्या होना चाहिए, इनकी ये एक्सपायर नहीं होने चाहिए, और इनको हम एक्सपायरी से बचाने के लिए क्या करते हैं, ग्लाइसरोल मिथाइल सेलुलोज या गम के अंदर इन लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हैं और ये इनके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो ठीक है, एक पॉइंट इसमें हमारा जो छूटा था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने एक चीज में बताना आपको भूल गया था, प्रिकॉशंस, कि जब भी हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। अब उन प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं, बस नॉर्मल प्रिकॉशन से 4-5 जो आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रिकॉशन क्या होना चाहिए बायो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए, सबसे पहला
प्रिकॉशन ये होना चाहिए कि वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल अच्छे से चेक करके और फिर उस बायो फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए. मीन्स इट शुड नॉट बी एक्सपायर्ड. सेकेंड, किसी भी सीड में बायो फर्टिलाइजर मिलाने से पहले, किसी भी सीड में बायो फर्टिलाइजर मिलाने से पहले हमें उसमें क्या करना चाहिए, उसमें इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगीसाइड्स मिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइजर जो है ये अपना काम तो करेंगे, लेकिन अगर आपने पहले इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स मिला दिया तब इसका जो इफेक्ट है और ज्यादा बढ़ जाता है. थर्ड पॉइंट, बायो फर्टिलाइजर जो है ये हर क्रॉप में सेम अमाउंट में नहीं डाल सकते हम. कुछ क्रॉप्स में ये बहुत स्मॉल अमाउंट में डाले जाते हैं, कुछ क्रॉप्स में बहुत हेवी अमाउंट में डाले जाते हैं. तो हमें पहले प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए कि किस क्रॉप में इसकी अमाउंट क्या होना चाहिए, तब फिर हमें बायो फर्टिलाइजर का यूज उस अकॉर्डिंग करना चाहिए. मीन्स अमाउंट शुड बी चेक्ड, मतलब अमाउंट को हमें चेक करके फिर हमें डालना चाहिए. ठीक है, तो ये तो थे कुछ प्रिकॉशंस. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून. मैंने पढ़ाया था ना फर्स्ट पॉक्स सेकंड पॉक्स, अब हम इसके बाद से ये पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है एग्रीकल्चर पे, ये जो फेजेस ऑफ मून है, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी हमने पढ़ा मून के बारे में कि मून कैसे इफेक्ट डालता है हमारे क्रॉप्स पे, कैसा एग्रीकल्चरल कैलेंडर होता है. ठीक है, तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फेजेस ऑफ मून इन एग्रीकल्चर. इसका मतलब ये कि जो मून के जो दो फेजेस होते हैं जिसे हम हिंदी में फर्स्ट पक्ष और सेकेंड पक्ष कहते हैं, या दक्षिणायन एंड उत्तरायन कहते हैं जिसको हम, उसका हम कैसे उसका सॉरी दक्षिणायन उत्तरायण की अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ फेजेस की इसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, कि वो जो फेजेस होते हैं किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं. तो चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्या है कि एट द टाइम ऑफ पूर्णिमा द मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ मून इज ऑन द वॉटर. मतलब कि जब पूर्णिमा का टाइम होता है ना, मैंने अभी पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन ये बात करी है कि जब पूर्णिमा यानी कि जब फुल मून होता है ना, तो उस टाइम पे मून जो होता है ना सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करता है अर्थ पे तो वो होता है वाटर को, जिसके चलते सॉइल का जो अपर पार्ट होता है ना, ऊपर का जो हिस्सा होता है क्रस्ट, अर्थ का जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे तेज एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है. मतलब उसका जो वाटर है वो इमिडिएटली ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है. जो भी वाटर बॉडीज है, जो भी सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है या जो भी प्लांट के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसमें, अब उसके बाद से होता क्या है कि जब ये वाटर ऊपर जाता है तो इससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है. ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के चलते इस टाइम पे हमें क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करेंगे तो उनमें इन ह्यूमिडिटी के चलते इन्फेक्शन फैल जाता है, और इन्फेक्शन फैलने के चलते क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं. ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग. ठीक है, वैसे हम इस टाइम पे भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बट लीफी क्रॉप्स है जिनके पत्ते तोड़कर हम, जैसे स्पिनच लीव्स हो गए, ये सारी चीजें जो है जिनके हम फ्रूट्स हो गए, इन चीजों के अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हमें जो ड्राई जो हमारे पास क्रॉप्स होते हैं जैसे मेज हो गया, या हमारे पास राइस की हार्वेस्ट, पैडी की हार्वेस्टिंग हो गई, वीट की हार्वेस्टिंग हो गई, इन सारी चीजों की हार्वेस्टिंग से हमें बचना चाहिए इस टाइम पे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि एट द टाइम ऑफ अमावस्या हार्वेस्टिंग शुड बी डन. मतलब जब अमावस्या का टाइम होता है ना, जब न्यू मून जब आने का टाइम होता है, बिल्कुल गायब हो जाता है हमारा मून, उस टाइम पे अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ही लो होता है, उस टाइम पे हम हार्वेस्टिंग करें तो बहुत बेटर होता है. ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट मैंने लिखे हैं, एपोगी और पेरिगी. एपोगी और पेरिगी ये क्या होता है, अब देखते हैं इसको. देखो, हम सबको पता है कि जो मून होता है वो अर्थ के आसपास क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है. ठीक है,
अब ये जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ के आसपास, ये अपने इलिप्टिकल पाथ पे करता है। इलिप्टिकल एक पाथ होता है, ओवल पाथ होता है। तो जो इस इलिप्टिकल पाथ पर वो जो ट्रेवल करता है, तो दो कंडीशन आती है मून के और अर्थ के बीच में, दो कंडीशन बनती है। हर 7 दिन के बाद या तो मून अर्थ के सबसे पास होता है या मून अर्थ के सबसे दूर होता है। इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोगी और पेरिगी। एपोगी का मतलब होता है फार्देस्ट, फार्देस्ट मतलब सबसे दूर जो मून होता है ना अर्थ से, एपोगी पॉइंट कहते हैं, और जो सबसे नजदीक होता है उसे पेरिगी कहते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें सीड्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सीड्स लगाते हैं ना, तो उसमें से जो सीड्स में से जो न्यू प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। वो उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और उनके सर्वाइव करने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें प्लांट्स नहीं लगाना चाहिए, लगाने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पॉइंट, रोल ऑफ फेजेस ऑफ मून इन एग्रीकल्चर, मून कैसे इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चरल कैलेंडर में लिखा गया है, ये मॉडर्न जो एग्रीकल्चर की जितनी भी मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो बुकें लिखी हैं, उसमें भी ये बातें लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम दो हमारे पास और पॉइंट्स है, दक्षिणायन एंड उत्तरायण। दक्षिणायन एंड उत्तरायण की बात करें तो ये दो चीजों में होता है, सन में भी होता है और ये मून में भी होता है। ठीक है, दक्षिणायन और उत्तरायण सन में भी होता है, मून में भी होता है। सन में कब होता है, ईयरली बेसिस पे दक्षिणायन उत्तरायण हम देखते हैं, और मून में मंथली बेसिस पे दक्षिणायन और उत्तरायण हम देखते हैं। तो हम पहले दक्षिणायन की बात करते हैं, उत्तरायण की बात करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, वही दक्षिणायन उत्तरायण वही है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, फर्स्ट फेज सेकंड फेज जो भी हमने पढ़ा ना इससे पहले वाले पॉइंट में, वही है ये। ठीक है, तो दक्षिणायन और उत्तरायण से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज हमें कब करनी चाहिए, दक्षिणायन में कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उत्तरायण में कौन सी करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, बेसिकली हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले दक्षिणायन को देख लेते हैं कि इस फेज में कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमें हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ड्राई फॉडर की, ड्राई क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन दिस फेज द एक्टिविटी ऑफ इनर सॉइल इंक्रीजेस एंड द क्रॉप्स आर मैक्सिमम बेनिफिटेड। ठीक है, इनर, इनर का मतलब देखो दो फेजेस से गुजरता है, मैंने बता दिया दक्षिणायन और उत्तरायण। पहले फेज में क्या होता है कि जो सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, वाटर जो होता है, उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, और उस टाइम पे अगर हम फ्रूट तोड़ना चाहें या और भी लीफी मटेरियल्स को तोड़ कर रखना चाहें, हार्वेस्ट करना चाहें, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ये ग्राफ्टिंग, कटिंग, अगर किसी भी पेड़ को स्टेम्स को काटना है, ग्राफ्ट करना है, तो ये टाइम बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लांट का ग्रोथ रेट होता है ना बहुत फास्ट होता है, वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है और प्लांट का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन होता है उत्तरायण, हम अभी बात कर रहे हैं दक्षिणायन की। दक्षिणायन में क्या होता है ना कि इसमें ऊपर की कंडीशन नहीं, सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर का जो सेटअप होता है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। सॉइल के अंदर की एक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो जाती है, और सॉइल के अंदर की एक्टिविटी जब भी फास्ट होगा, तब उस कंडीशन में हम ऐसे क्रॉप्स को बेनिफिट मिलेगा जो सॉइल के अंदर होते हैं, जैसे ट्यूबर क्रॉप्स होते हैं। ट्यूबर क्रॉप्स किसको कहते हैं, जो सॉइल के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया है अश्वगंधा, व्हाइट मूसली, या जो भी ओनियन हो गया, जिंजर हो गया, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उस टाइम पे। ठीक है, बेस्ट टाइम फॉर मेकिंग ऑफ मैन्योर, जो दक्षिणायन का टाइम होता है ना, ये मैन्योर बनाने के लिए बेस्ट टाइम होता है, मैन्योर बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, उसे खेत में छिड़कने के लिए, ये सबसे सुटेबल टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत अच्छे तरीके से सॉइल की एक्टिविटी वर्क करती है। ठीक है, सॉइल की प्लगिंग के लिए भी ये टाइम बहुत सुटेबल होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर मेकिंग ऑफ ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ ग्रीन मैन्योर क्या होता है। मैन्योर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसी में एक आता है ग्रीन मैन्योर। हम क्या करते हैं, कुछ सीड्स लगा देते हैं फील्ड में। ठीक है, वो एक्चुअली मैन्योर ही होते हैं। ठीक है, वो भी प्लांट ही होते हैं क्रॉप्स के जैसे ही। हम उन सीड्स को लगाकर खेत में प्लगिंग करके छोड़ देते हैं और सीड्स लगाकर सोइंग करके छोड़ देते हैं। जब वो कुछ बड़े हो जाते हैं, 1 फीट टू 1.5 फीट के बीच में जब उनकी हाइट हो जाती है, मतलब लगाने से 20 से 25 दिन में उनकी इतनी हाइट हो जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके बाद से हम उनको काट कर और फील्ड में ही क्या कर देते हैं,
छोड़ देते हैं और फिर हम क्या कर देते हैं, प्लगिंग करके उस ग्रीन मैन्योर को सॉइल के साथ मिक्स करके और उसे हम क्या कर देते हैं, 1.5 months के लिए या 2 months के लिए छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे वो प्लांट्स डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं और मैन्योर का काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना ग्रीन मैन्योर को उगाने के लिए सबसे सुटेबल सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है, कौन सा टाइम, दक्षिणायन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट फेज हमारा आता है उत्तरायण, ठीक है। उत्तरायण में क्या होता है, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, ओके, तो उत्तरायण के बारे में बात करते हैं। उत्तरायण में अभी क्या बताया मैंने कि दक्षिणायन में मैंने क्या बताया था कि इसमें हमारे पास हार्वेस्टिंग के लिए ये कौन सी फसलों के हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल होता है, ड्राई क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल होता है। बट उत्तरायण में हम ड्राई क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। उत्तरायण मतलब क्या, पूर्णिमा के पास वाला जो टाइम होता है वही उत्तरायण कहते हैं। उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर हम उस टाइम पे हार्वेस्टिंग करेंगे उसमें टर्माइट्स के फंगस के लगने का क्या चांसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग ऑफ लीफी पार्ट्स, अगर कोई प्लांट है जिसका आप लीफी पार्ट को तोड़कर रखना चाहते हैं, जैसे स्पिनच हो गए और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है जिनके लीव्स को हम यूज करते हैं एज ए क्रॉप, अगर उनको हार्वेस्ट करना चाहते आप इजिली कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो हम क्विकली यूज कर लेते हैं, उसको हम स्टोर करके नहीं रखते। प्लकिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप फ्रूट्स को तोड़ते हैं तो इससे प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उस टाइम प्लांट बहुत फुल ग्रोथ पीरियड में होता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग आप सबको पता होगा, ग्राफ्टिंग दो तरीके से किया जाता है, एक तो ब्रांचेस की ग्राफ्टिंग करके हम उस प्लांट के डेंसिटी को कम करने के मकसद से ग्राफ्टिंग करते हैं, और दूसरा नए प्लांट्स लगाने के लिए हम ग्राफ्टिंग करते हैं, एक प्लांट्स को काट के हटा देते हैं दूसरा प्लांट सब पे जोड़ देते हैं। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, नए सेल बहुत तेजी में डेवलप होते हैं, इसलिए ग्राफ्टिंग करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि वाटर जो होता है बहुत ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जाता है मून के अट्रैक्टिव फोर्स के चलते। नेक्स्ट होता है बेस्ट टाइम फॉर सोविंग एंड जर्मिनेशन, सीड्स लगाने के लिए और उनके जर्मिनेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि वाटर की एक्टिविटी बहुत फास्ट होती है और जिसके चलते सॉइल की जो जर्मिनेशन जो सीड्स की जर्मिनेटिंग रेट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत तेजी में प्लांट्स एंड ट्रीज और जो भी सीड्स होते हैं जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मून के से रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स थे, ये हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे।